भाई ये जो आप देख रहे हो बिल्कुल ये वाला जो बिल्डिंग है बन रहा है, ये वाला गोविंदा का मकान है। ये समस्या है भाई ट्रैफिक की। और ये हमारे निरंजन भाई, और ये भाई रॉकी भाई पंकू, नाइस टू मीट यू। और यार ये है यहाँ के हाईवे, 6 लाइन हाईवे है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्मूथ है। ये जो आप देख रहे हो बिल्कुल ये वाला जो बिल्डिंग है बन रहा है, ये वाला गोविंदा का मकान है, गोविंदा का पूरा अपार्टमेंट है ये वाला। ये भाई कब हुआ था ये काम? 20 साल पहले ये उसका बन रहा था, लेकिन उसके बाद काम रुक गया था। तो काम क्यों रुका था ऐसा पता चला? पता नहीं भाई क्यों काम रुका उसका, लेकिन उसका काम रुक गया और ये अधूरा है। ये ऐसा क्या वैसा अभी तक ये वैसा ही पड़ा ही है। अरे यार इतना बड़ा इतना अच्छा बिल्डिंग है और देखो आप वैसा का वैसा पड़ा है गोविंदा का। आज अगर बन गया होता तो भाई शानदार मॉल हो जाता ना। इतना बड़ा मॉल, इतना बड़ा अपार्टमेंट, अच्छी खासी इनकम स्टार्ट हो जाती गोविंदा की। कोई ना कोई इश्यू आ गया होगा, या तो गवर्नमेंट का कोई पॉलिटिकल इश्यू होगा, वही होगा भाई। तो देखो यार ये चलो अच्छी नई बात पता चली, गोविंदा का मकान ये पूरा भाई गोविंदा का। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो यार अभी हम आए हैं भक्तपुर। तो भक्तपुर ये बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पर लेकर आया है हमको हमारे समीर भाई और हमारे निरंजन भाई। तो ऋषि भाई ने मुझे ड्रॉप कर दिया और उसके बाद ये समीर भाई और ये आ गए। तो हम अभी आ गए हैं यहाँ पर, 20 किलोमीटर दूर है काठमांडू से। टिकट है भाई 500 नेपाली रुपीज़ का, मैं टिकट लेके आ रहा हूँ। थैंक यू भाई, ये टिकट ले लिया है 500 रुपीज़ का। और मिली है हमारे नए फ्रेंड से, क्या नाम है भाई आपका? विवेक। ये है विवेक भाई और ये हमारे निरंजन भाई के ही फ्रेंड है और यही अंदर ही काम भी करते हैं। नहीं, यही घूमने आया था। मेरा कार है इधर। अच्छा, ये कितने बजे खुलता है अपना मंदिर? ये मंदिर वंदिर नहीं, लाइक ये ऑल टाइम खुला ही रहता है। हाँ, खुला ही रहता है ना, रात को भी खुला ही रहता है। हाँ, रात को भी खुला है, तो रात को भी खुला है, कभी भी आप आ सकते हो यहाँ पे। चलो भाई चलते हैं अंदर, का मैप भी मिला है, दिल्ली गेट जैसा है। हाँ तो ये एक मैप मिल जाता है हमको, मैप में हम सारा देख सकते हैं कहाँ 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 जाना है भैया। आपको मेन अट्रैक्शन क्या क्या है यहाँ के? चांगू नारायण टेम्पल, वो बहुत दूर है अभी। अच्छा, नहीं जा पाएंगे। इधर में ही है? नहीं, बहुत दूर है यहाँ से। लस्सी के जैसा दही होता है जैसे यहाँ पे होता है, किंग का कर्ड, मतलब जो राजा है वो ये दही खाता था पहले। तो अभी हम खाएंगे, 50 नेपाली रुपीस का मिलता है। इंडिया का राजा ये राज दरबार है इधर। अच्छा, राज दरबार वगैरह नहीं यार, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और कुछ कुछ चाइना से भी कुछ मैच होता है ये? नहीं, ये मतलब ये जो है ना आर्किटेक्चर वगैरह ये इतना जो नेपाल का एक आर्टिस्ट है को बोल के, वो जब चाइना गया था तो उसको ऑलरेडी ये सब आर्किटेक्चर के बारे में पता था। तो यहाँ से चाइना पे लेके गया और चाइना का जो गवर्नमेंट वगैरह है उसको वहीं पे रख लिया। अरे वाह यार, बहुत अच्छा। फिर उसने पूरा वैसा का वैसा बना दिया, थोड़ा चेंज करके। हाँ, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके और स्टाइल करके। वो गोल्डन गेट बोलते हैं इसको। ये गोल्डन गेट है? हाँ। अच्छा, पहले सच में बहुत प्यारा लग रहा है यार।
तो यार ये है यहाँ का फूड कोर्ट हंग्री किंग्स, और ये है आलू चा। ये भाई बहुत बढ़िया था, हमने यहाँ पे खाया था। एक आलू का स्टिक टाइप का था भाई, बहुत ही अच्छा पीस था वो। तो भूख वगैरह लगे तो आप यहाँ आ सकते हो। यहाँ भाई कुछ काम वाम चल रहा है मकान वकान का। और यहाँ पे भाई अभी हम खा रहे हैं, अभी क्या खा रहे हैं भाई? ये जुजुधाओ है, जुजुधाओ, जुजुधाओ। तो भाई इसका नाम है जुजुधाओ, और ये है एक तरह का कर्ड है, किंग कर्ड है ना, किंग कर्ड, जो यहाँ का राजा था वो भाई ये कर्ड बहुत खाता था, इसलिए अभी हम लोग खा रहे हैं सारे, सबके सब लोग मिलके। और बहुत अच्छा है भाई, देख खा के बताते हैं कैसा इसका टेस्ट है। बहुत अच्छा है, बढ़िया बढ़िया है भाई, बढ़िया है। ये भाई कुछ कुछ श्रीखंड है ना अपने यहाँ, ये श्रीखंड के जैसा है। हमारे यहाँ पे भी श्रीखंड होता है ना, वो दही का बनता है वो। बहुत अच्छा है भाई, बहुत क्ले का है, है? क्ले का है ना, हाँ। मिट्टी का, हाँ 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 हाँ, यस यस यस। तो भाई ये जो ये टेंपल है, ये बहुत बड़ा टेंपल है यहाँ का, और भाई ये यहाँ पे काम वाम चल रहा है, जो कलाकारी हो रही है, इसको लकड़ी को पूरे को काट काट के पूरा भाई शेप दिया जाता है। तो भाई ये देखो यार, ये नज़ारा है यहाँ का ऊपर से, कौन सा वाला, ये क्या नाम है, पांच तले फाइव स्टोर। अच्छा फाइव स्टोर है, इसलिए इसको पांच पाले मंदिर कहते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, तो भाई ये पांच पाले मंदिर कहते हैं इसको, नीचे से दिखाएंगे। हाँ नीचे से इसको दिखाया हमने। और ये जो भी ये काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे न्यू ईयर की तैयारियाँ चल रही है, ये इसका रथ बनाएंगे ये लोग। तो भाई वो जो देख रहे हो आप, वो रथ के पहिए हैं वो, और वो पिछले साल जो काम में लिए थे, और अभी इस साल नए बन रहे हैं फिर से, वो उससे भी बड़े होंगे। तो देख लो यार कितना बड़ी साइज़ का होगा। और ये आसपास काफ़ी हैंगआउट के प्लेसेस हैं, हॉस्टल्स वगैरह हैं अच्छे खासे। यहाँ पे भाई ये इतने बड़े बर्तन में बनाया जाता है मोमो, और छोटा मोटा भाई यहाँ पे मार्केट वगैरह भी है, परचेजिंग वगैरह शॉपिंग वगैरह आप कर सकते हो मार्केट में। ये है भाई, मॉडर्न नहीं है इधर। तो भाई जो भक्तपुर है, यहाँ पर क्या है कि एंट्री होने के लिए आपको 500 रुपये का तो टिकट लेना पड़ेगा पैसेंजर को, जो भी टूरिस्ट वगैरह है। तो उसके बाद क्या है कि ये एक अलग ही सिटी है, काठमांडू अलग हो गया, डेवलप सिटी हो गया, बहुत ही मॉडर्न सिटी हो गया। ये भाई उतना मॉडर्न नहीं है, ये थोड़ा सा रूरल है। और दूसरी बात, यहाँ पे क्या है कि हिस्टोरिकल है, ज़्यादा हिस्ट्री है, ज़्यादा कल्चर ज़्यादा है यहाँ पे। यहाँ के लोग भी ज़्यादातर इस तरह के लोग मिलेंगे आपको, जो मतलब टोपी वगैरह पहनते हैं, इनका ये पहनावा होता है। और ये मतलब ये पूरा, वैसे तो ये चलो दरबार स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर भाई लोग रहते भी हैं, पूरा मार्केट लगता है, किराना का शॉप वगैरह भी है, सारा मार्केट जैसा। तो ये इस तरीके से है। और इस भक्तपुर में बहुत सारी दूसरी प्लेसेस है, जो आपको मैप दिया है ना, तो उस मैप के अंदर भाई बहुत सारी प्लेसेस है, उन सारी प्लेसेस पे आप जाइए, और आप यहाँ पे रियल नेपाल जो है, जो रियल कल्चर है, उसको आप फील कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर उतना मॉडर्न नहीं होगा भाई, जैसे काठमांडू में जो पहनावा वगैरह है, वो पहनावा आपको यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ बिल्कुल अलग पहनावा, अलग कल्चर, और उस तरीके से बस एक जो विलेज की लाइफ होती है ना, वो लाइफ भी आप यहाँ पे फील कर सकते हो। तो ऐसा एक्सपीरियंस भी अगर आप लेना चाहते हैं, तो भक्तपुर आप ज़रूर आएँ। 500 रुपये का टिकट है, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ठीक है, आपको एक्सपीरियंस लेना चाहिए। सुबह से शाम तक के लिए आप आ सकते हैं, शाम को आप वापस जा सकते हैं। और ये कोई छोटा नहीं है भाई, ये बहुत बड़ी जगह है, पूरा एक सिटी है यहाँ पे। और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको मतलब कोई जगह 4-5 किलोमीटर दूर भी होगी, जैसे वो टूरिस्ट उसके मैप में है। हाँ बहुत दूर है, बहुत पुराने घर हैं यहाँ पे, और अगर किसी का घर टूट भी जाता है तो वापस उसको उसी स्टाइल से वापस बनाया जाएगा। यहाँ पे प्लास्टर वगैरह अलाउ नहीं होता है,
ये देखो जैसे ये कितने साल पुराना मकान है, कितने साल पुराना है? 200 साल। ये 200-300 साल पुराना मकान है भाई। ये हाँ, ये दत्तात्रेय मंदिर वगैरह भी है यहाँ पे, और सब जैसा सेम वैसा का वैसा बना हुआ है। आपको हर जगह ये इस तरह का ही कल्चर दिखेगा। तो भाई न्यू ईयर यहाँ पे बहुत ही अच्छा मनाया जाता है, बहुत ही कल्चरल होता है, हिस्टोरिकल होता है। तो आप चाहो तो न्यू ईयर पे अपना प्लान बनाओ और भक्तपुर आओ। एक दिन यहाँ पे रुको भी सही, यहाँ पे होटल्स वगैरह भी आपको मिल जाएगी। एक दिन रुकोगे तो एक दो दिन में आप इसको पूरा अच्छे से कवर कर पाओगे। ये भी होटल ही जैसा लग रहा है। हाँ, ये होटल जैसा लग, कैफे है ये तो, कैफे है, ट्रैवलर कैफे है। हाँ यार, यहाँ अगर अच्छे से घूमना है ना तो आपको ये गाइड मैप जो है ये ही आपकी मदद करेगा। यहाँ पे आप सारा पता कर सकते हैं। ये मेन मेन अट्रैक्शन है यहाँ के जो। और भाई ये पीकॉक विंडो आपको मैं दिखाता हूँ। ये आ गया दत्तात्रेय जो आप हमने पहले शूट किया। फिर ये यहाँ पे देखो पीकॉक विंडो, ये रही भाई पीकॉक विंडो। और ये इतना प्यारा है भाई। और ये है ना कितने साल पुराना है भाई? 500 साल, 400-500 साल पुराना ये पूरा विंडोज वगैरह, ये पूरा मकान है, बिल्डिंग। तो गाइज ये है 55 जाली दरबार, और इसका नाम ये क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे 55 खिड़कियाँ हैं इस वजह से। तो राजा महाराजा वगैरह यहाँ पे रहते थे। और भाई बहुत सी अच्छी जगह है यहाँ पे, ये इसी तरह का पूरा हिस्टोरिकल आपको ये मिलेगा। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि यार आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि ये पूरा भक्तपुर हिस्टोरिकल वगैरह इस तरह का आपको नज़ारा मिलेगा यहाँ पे, और जो असली नेपाल का कल्चर है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो यार हमने तो क्या है कि ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, हमने तो भाई कुछ एक जगह एक्सप्लोर किया है ना यहाँ पे। हाँ, लेकिन ये बहुत बड़ी जगह है, बहुत ज़्यादा जगह है, मतलब आपको पूरा दिन आपका लग जाएगा ये समझ लो। अगर आप सुबह आते हो तो आपका पूरा दिन शाम तक आप पूरा कवर कर सकते हो, दूर दूर तक काफ़ी सारे प्लेसेस हैं। तो आप टाइम निकाल कर आएँ और अच्छे से इसको आप एक्सप्लोर करें तो आप अच्छे से जान सकते हैं, है ना भाई? फेंको भाई, बहुत मस्ती हुई, बहुत मज़े आए हमको, और काफ़ी अच्छा टाइम पास हो गया हमारे। ये सारे भाई लोग मिल गए हमारे। और भाई उम्मीद करता हूँ यार आप बहुत जल्दी आओ, जोधपुर आओ, इंडिया आओ, है ना? बिल्कुल, आप सबके सब लोग आओ यार, मिस करता हूँ हमारे समीर भाई। आएंगे, चलो चलो, और राजस्थान पे हमारा, हाँ अरे मैं बैठा हूँ ना राजस्थान में भाई, नहीं हाँ हमको भी ऐसे ही घुमाएंगे। अरे इससे भी बढ़िया, आगे ले लो। बिल्कुल, कैसा लग रहा है भाई जगह? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, कीप ट्रैवल, कीप एंजॉय द लाइफ। इंडियन 440 रुपये में होटल नेपालिया में मुझे अच्छा रूम मिल गया है, क्योंकि फिर बाद में मुझे पोखरा भी जाना है।